तो आज के सुबह में आपको जो एक बैटरी चार्जर बनाना चल झूठा जो गाइस यहां जो नेटवर्क का बैटरी आता है 1850 नेटवर्क का बैटरी आप उसको गाइस किस तरह से चार्ज कर सकते हो। सो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको एक डिवाइस बनाना सिखाऊंगा जिससे आप जो है इस तरह का जितना भी बैटरी आता है आप उसको जो है आसानी से आप चार्ज कर सकते हो। अच्छा तो सो गाइस ने गाइस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। गाइस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप जो है शेयर करूंगा जो कि गाइस बहुत ज्यादा मजेदार होगा, मजा आएगा ना वीडियो होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर कुछ जो है डिटेल में आपको समझाऊंगा। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ जो है पीसेस कट करना है जो कि गाइस मैंने यहाँ पर जो है कुछ ऊंट का जो मेरे पास पीस था लकड़ी का मैंने यहाँ पर जो कट किया हूँ। अगर आपके पास MDF बोर्ड है तो आप उसको जो कट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर कोई भी पीस का जो कोई लेंथ नहीं है आप आपके हिसाब से यहाँ पर रख सकते हो। मैं जिस तरह से यहाँ पर पीस को कट करके यहाँ पर जोड़ रहा हूँ आपको भी इस तरह से जो पीस कट करके आपको देख देख के जो जोड़ना है। और गाइस डिज़ाइन का जो मैं आपको एक डायग्राम दे दूंगा आप उस डिज़ाइन को देख के जो है वो जो पीस होता है पीस को आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। सो गाइस यहाँ पर मैंने जो पीस को देख सकते हो कुछ इस तरह से बस जोड़ रहा हूँ एक एक करके और आपको भी कुछ इस तरह से आपको जो जोड़ना है वीडियो को देख देख के समझना है अच्छे से। तो चलिए सारे पीसेस को जो यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ। सो गाइस फाइनली यहाँ पर जो सारा पीस जो यहाँ पर जोड़ना हो चुका है और मैं यहाँ पर जो फेविकॉन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फेविकॉन जो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक टीन का पत्ता जो है यूज़ करना है कुछ इस तरह का। और आपको गाइस इस तरह का जो पीस दो कट करना है। कट करने के बाद इसको जो इस तरह से आपको मोड़ना है जिस तरह से मैंने यहाँ पर मोड़ा हूँ। आपको भी गाइस यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेने के बाद आप इस तरह से जो आपका जो टीन का पत्ता है आप उसको जो इस तरह से मोड़ सकते हो क्योंकि फ्रेंड्स ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो पर। और उसके बाद भाई अभी आपको करना क्या स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए वीडियो पर बने रहिए आपको सब कुछ जो मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो बैटरी आता है लैपटॉप का उसको लेना है यहाँ पर मेजरमेंट करना है देख सकते हो 6 सेंटीमीटर का जो यहाँ पर बैटरी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है कुछ जो है पॉइंट आउट करना है तो आप जो 6 सेंटीमीटर से जो है 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जो है लेंथ रख के आपको यहाँ पर जो है दाग लगाना है गाइस। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो 2 पीस एक्स्ट्रा जो बच गया था आपको यहाँ पर फिट करना है कुछ इस तरह से देख सकते हो। फिट जो है आपको बैटरी को जो यहाँ पर रख के फिट करके आपको देखना है गाइस बैटरी जो यहाँ पर फिट आ रहा है या फिर नहीं। उसके बाद जो हमने टीन का पत्ते से जो मोड़ के इस तरह का जो हम लोग ने बनाया था उसको गाइस यहाँ पर जो हमारा पीस है पीस पर आपको इसको अच्छे से यहाँ पर फिट करना है। तो गाइस इसको फिट करने के लिए मैं यहाँ पर स्क्रू का यूज़ कर रहा हूँ आपको भी गाइस यहाँ पर स्क्रू का ही यूज़ करना है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो गाइस यहाँ पर आप टीन का पत्ते का यूज़ करोगे आपको ध्यान में रखना है जो टीन का पत्ता आप यूज़ कर रहे हो आप उस पर जो है आसानी से सोल्डिंग कर सकते हो क्योंकि फ्रेंड्स बाद में जो आपको यहाँ पर सोल्डिंग भी करना है इसलिए यहाँ पर जो है आप सोल्डिंग कर सकते हो इस तरह का जो आपको टीन का पत्ता यूज़ करना है। और गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से जो वर्क कर रहा है और आपको भी इस तरह से वर्क करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दोनों पर जो अच्छे से बस जो है इसको लगा दिया हूँ और आपको सबसे ज़्यादा जो इसी चीज़ पर जो है ध्यान देना है वीडियो पर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने पॉइंट आउट किया था मेजरमेंट लेके के वहाँ पर आपको जो इसको अच्छे से यहाँ पर फिट कर देना है। जो हमने यहाँ पर जो है इंस्टेंट ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो फिलहाल मैं इंस्टेंट ग्लू का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं जो यहाँ पर फेविकॉन का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक चार्जर पिन का यूज़ करना है तो अभी यहाँ पर जो चार्जर पिन है इसका पिन जो है प्लस माइनस क्या है आपको जो फाइंड भी करना है। तो फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है आपको जो है यहाँ पर चार्जर पर लगाना है और मल्टीमीटर से यहाँ पर फाइंड कर देना है। सो गाइस यहाँ पर मैंने जो है सोल्डिंग भी कर लिया हूँ प्लस माइनस देख सकते हो। अभी यहाँ पर आपको करना गया जो हमारा टीन का पत्ता यहाँ पर लगाया था और मैंने आपको बताया था यहाँ पर सोल्डिंग करना है तो आपको सोल्डिंग अभी करना है। सो गाइस यहाँ पर देखो तो मैंने यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया हूँ और यहाँ पर आपको जो अच्छा सा जो है आपको वायर का यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर जो कॉपर का यूज़ कर रहा हूँ आपको भी कॉपर का यूज़ करना है जिससे इसका लाइफ टाइम जो है बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पर कोई भी आपको जो एक बैटरी का मॉड्यूल चार्जर मॉड्यूल आपको यूज़ करना है तो मेरे पास जो एक चार्जर मॉड्यूल यहाँ पर देखो तो पड़ा हुआ था और मैंने इसको जो एक टॉर्च नाइट के अंदर से मैंने इसको निकाला है और मैं इसको ही यूज़ करूँगा। और आप लोग जो है यहाँ पर जो नॉर्मल सा जो ऑनलाइन से आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो चार्जर मॉड्यूल का। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो है लिंक दे दूँगा वहाँ पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हो। अभी यहाँ पर कोई जो आपको कनेक्शन भी करना है तो यहाँ पर जो बैटरी का जो प्लस माइनस यहाँ पर है बस वहाँ पर जो आपको कनेक्ट करना है बहुत ज़्यादा ईजी है गाइस। और यहाँ पर जो हमारा हमने जो पिन यहाँ पर जो मोबाइल का निकालना था आपको यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट करना है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दूसरा पिन यहाँ पर यूज़ करूँगा चार्ज करने के लिए देख सकते हो गाइस यहाँ पर मैं प्लस माइनस पर जो आपको डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। सो गाइस यहाँ पर मैंने देख सकता हूँ अच्छे से कनेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पर जो चार्जिंग जो हमारा पिन है इसको भी मैंने यहाँ पर अच्छे से
के ऊपर जो है अच्छे से इंस्टेंट ग्लू से इसको चिपका दिया हूँ। अभी अगर कुछ आपको कनेक्शन करना है और अगर आपको डायट का भी यूज़ करना है, और गाइस देख सकते हो डायट का जो नेगेटिव साइड है उसको गाइस मैंने यहाँ पर जो सर्किट का आउटपुट का जो नेगेटिव है वहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। डायोड का काम क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है इसको गाइस रिवर्स में जो है नहीं देगा। और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर जो है कोई भी एक नेट पर जो है एक 1K का रजिस्टर आपको यूज़ करना है, जिससे हमारा जो एनर्जी नेट है एक गाइस यहाँ पर जो है फ्यूज़ नहीं होगा। कनेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको सर्किट का जो आउटपुट है प्लस माइनस वहाँ पर आपको डायरेक्ट कनेक्ट जो इसको कर देना है, और डायोड का जो माइनस साइड है वहाँ पर आपको कनेक्ट करना है दूसरा साइड को। सो गाइस यहाँ पर तो अच्छे से यहाँ पर जो ग्लो हो रहा है, काम भी यहाँ पर अच्छे से कर रहा है, और आपको भी यहाँ पर डायोड जो यूज़ करना है। सो गाइस अभी मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से जो पीस को यहाँ पर कट किया हूँ, और आपको भी यहाँ पर इस तरह से पीस कट करना है जो कि जहाँ पर हमारा बैटरी जो बैठेगा उसी साइड को जो आपको कट करके यहाँ पर रखना है। देख सकते हो आपको गाइस स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आएगा, आप लोग गाइस वीडियो को पूरा अंत तक देखो तो सब कुछ जो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो एक छोटा सा होन किया था, यहाँ पर मैं जो एंडिंग एड को इसको यहाँ पर फिट कर दूंगा, और जो हमारा यहाँ पर देख सकते हो जो पत्ते का जो मैंने यहाँ पर साउंडिंग किया था दो वायर को यहाँ पर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। और कनेक्शन किस तरह से करना है मैं आपको एक डायग्राम दे दूंगा गाइस, यहाँ पर जो स्क्रीन पर शो हो रहा है इसका डायग्राम, जिस तरह से गाइस यहाँ पर मैं डायग्राम पर कनेक्शन किया हूँ आपको देख डायग्राम का जो एक स्क्रीन शॉट लेके उस तरह से जो आपको देख के जो यहाँ पर कनेक्शन कर देना है। बहुत ज़्यादा ईजी है गाइस डायग्राम देख देख के आपको कनेक्शन करना है। उसके बाद भाई यहाँ पर जो खाने जगह है उस पर जो आपको एक जो है कोई भी एक रू का जो आपको यूज़ करना है, जिस यहाँ पर आप जो कागज़ का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा अंदर जो कुछ जो नहीं हिनेगा एकदम जो फिक्स होके बैठेगा। सो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से जो है फिट कर दिया हूँ, फिट करने के बाद इसको अच्छे से घिसना है जिससे जो है इसका जो फिनिशिंग जो और भी बढ़ जाएगा। सो गाइस यहाँ पर फिनिशिंग मैंने अच्छे से कर दिया हूँ, और मैंने इस पर जो बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ आप लोग जो गाइस यहाँ पर देख के जो समझ सकते हो, मैंने बहुत ज़्यादा जो इस पर समय को जो है दिया हूँ, बहुत ज़्यादा जो इस पर मैंने काम किया हूँ, और अच्छे से यहाँ पर डिटेल में जो इसको मैंने काम करके बनाया हूँ। और आप लोग गाइस मुझसे भी बहुत अच्छे से जो इसको बना सकते हो, मुझे पता है आप लोग मुझसे भी बहुत अच्छा इसको बना सकते हो। और गाइस मैंने यहाँ पर जो कुछ अच्छे से डिटेल में यहाँ पर देख सकते हो प्लस माइनस लिख के देते हूँ यहाँ पर इसको गाइस, और जो अच्छे से वर्क कर रहा है। और यहाँ पर मैं जो है बॉन्डेज आपको मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो भाई 4.5 पाउंड के आसपास जो यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैटरी लेना है, सो गाइस मेरे पास जो बैटरी है इसका चार्जिंग जो फुल है, और यहाँ पर आपको कनेक्शन कैसे करना है, आपको चार्ज में आपको कैसे बैठना है गाइस, यहाँ पर जो बैटरी का प्लस माइनस आपको देख के यहाँ पर आपको चार्ज पर लगाना है। बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोग जो है कर सकते हो मुझे पता है। और गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर जाके मुझे चैट कर सकते हो। और गाइस फोन करना मत भूलना। सो गाइस चलिए अभी इसको जो है चार्ज पर यहाँ पर बैठाते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो नाइट जो इवनिंग होना स्टार्ट हो चुका है, और चार्जिंग भी जो है शुरू हो चुका है। और गाइस मैं यहाँ पर अभी आपको एक जो है ज़रूरी बात बताऊंगा, आप जो इसको ध्यान से सुनना। सो गाइस इस जो डिवाइस को आपको आधा घंटे से ज़्यादा जो आपको चार्ज नहीं करना, जिससे क्या होगा जो बैटरी ख़राब हो सकता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैं कोई भी BMS का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसने गाइस इसको जो आधा घंटे से ज़्यादा चार्ज मत करना, जिससे आपका बैटरी ख़राब हो सकता है। चलिए अभी जो बोनस टिप्स के ऊपर आते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, अगर आप कोई भी मोबाइल चार्जर का जो पिन है अगर आप उसको रीयूज करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, जो साउंडिंग आयरन है आप उसको अच्छे से गर्म कर लो, गर्म करने के बाद जो सर्किट है उसके ऊपर इसको रखो, थोड़ा सा थोड़ा देर जो वेट करो, उसके बाद देखोगे जो है अच्छे से निकल रहा है, डी साउंडिंग हो रहा है, उसके बाद इस पिन को जो आप यूज़ कर सकते हो फिर से। और मैं जो इसी टिप्स का यूज़ करता हूँ इस। सो गाइस अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके होठों पर जो एक मुस्कान ज़रूर है, और आपका दिन कर रहा है जो है इस वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो ज़रूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करिए, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ और एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। चुप, बिल्कुल चुप। कैसा लगा मेरा मजाक?